कि जो सतत युक्त होके प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसको भगवान बोलते हैं कि मैं बुद्धि योग देता हूँ। एक होय छे बुद्धिमान, बीजो होय छे बुद्धिजीवी अने तीजो होय छे बुद्धि योगी। त्रणे मां फेर छे। बुद्धिमान एटले जेने बुद्धिनु मान होय, प्रोफेसर शिक्षक ये सब बुद्धिमान है। बुद्धिजीवी जो बुद्धि बेच कर जीते हैं, आर्किटेक्ट वकील ये सब बुद्धिजीवी है। बुद्धि से ही कावे दावे करते कोर्ट कचहरियों में और उसी के उसी बुद्धि से। तो बुद्धिजीवी भी बहुत लोग हैं और बुद्धिमान भी बहुत लोग हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं कि हम बुद्धि योगी बनाना चाहते हैं, तुम बुद्धि योगी बनो। तो भगवान की भक्ति जिसके जीवन में है वो हो गया बुद्धि योगी। तो जिसकी बुद्धि में बुद्धि योग है वो भगवान को शीघ्र उपलब्ध होता है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, सतत युक्त होके प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करे। लेकिन रामचरितमानस में तो उससे भी बढ़िया बात कह दिया कि भाय अभाय अनग आलस हूं। बगा सूखा है तो ये भगवान नु नाम ले, लपसी पड़े तो ये ले, खांसी खाए उधरस खाए ए राम, ए भी गणतरी में आवे छे। भाव थी अभाव थी कुभाव थी, कि रावण के अंदर भाव नहीं था कुभाव था। एने रामनु नाम गुस्सा थी लीधु अने वैर वृत्ति थी लीधु तो एनु ही एनु पण कल्याण थयु। तुलसीदास जी कहे छे कि राम जी का सरकार जो है अंधाधुंध सरकार है, अंधाधुंध सरकार है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, प्रसन्न होके भजो चाहे गुस्से से भजो, तुलसी में अपने राम को रीज भजो या खीज। भूमि फेंके उंगेंगे उल्टे सीधे बीज सियावर राम चंद्र की। जमीन में उल्टा बीज फेंको का सीधा बीज फेंको, पण फेंक्या एटले उगवाना उगवाना ने उगवाना। एज रीते भगवान नु भजन सीधी रीते करो, उल्टी रीते करो, गुस्सा थी करो, भाव थी करो, अभाव थी करो, कुभाव थी करो, गाली देके करो, गुस्से से करो, लेकिन जैसे तैसे भगवान से तुम अपना संबंध बनाए रखो तो आज नहीं तो कल तुम्हारा कल्याण पक्का है। गंगा जी में डुबकी गुस्से से मारो कि प्रेम से मारो, लेकिन गंगा जी में डुबकी मारते ही जैसे ठंडा पानी ठठराता है और पाप मिटाता है। बर्फ को गाली दे के पकड़ो चाहे प्रेम से पकड़ो, लेकिन बर्फ को हाथ में लेते ही जैसे उसके ठंडक का अनुभव होता है। अग्नि के अंदर जान के हाथ डालो चाहे अनजाने में हाथ डालो, लेकिन अग्नि में हाथ डालते ही जैसे तुम्हारा हाथ जलता है, ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जैसे लो लेकिन परम मंगल करता है लोक का जीवन का। तो तुम कैसे भी भगवान का नाम लो और उसमें भी प्रीतिपूर्वक लो तो आह, वैसे ही भगवान का नाम मंगलमय, लेकिन उसमें भी अगर प्रीतिपूर्वक नाम लो तो फिर तो कहना ही क्या, मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण। तो ये जो भगवान का नाम है, भाय अभाय अनघ आलसहूं नाम जपत मंगल दिशी दसहूं, दसों दिशाओं में मंगल करता है। और ये भगवान का नाम ऐसा पावन है, ऐसा कल्याणकारक है कि शीघ्र ही भगवत प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। तो ये राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अजामिल की कथा आती है श्रीमद् भागवत में। उसके जीवन में सारे दोष दुर्गुण थे, शराब पीना, जुआ करना और परस्त्री गमन करना और भी जुआ करना, खराब संगति करना, पत्नी को मारना, गाली बोलना और न जाने कितने कितने उसके अंदर दोष थे। लेकिन नारद जी का संग मिल गया और नारद जी ने बोला
कि तेरा बच्चा पैदा होने वाला, उसका नाम नारायण रखना। और अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, सबसे बच्चा छोटे वाला। अंत समय में बेटा नारायण नारायण, जिसमें प्रीति होती है वही याद आता। वो बच्चा बाहर खेल रहा था, वो आया। लेकिन भगवान का सिद्धांत है कि जो अंत काले चमा में व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में मेरा नाम स्मरण करके अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग करता है, उसको मेरे धाम की प्राप्ति होती है। तो छेली घड़ी है मृत्यु समय अजा मिले एना दीकरा ने बोला है, दीकरा नु नाम नारद जी नी आज्ञा थी नारायण राखवामां आव्यो। अने दीकरो हसता खेलता आव्यो, अने एनी साथे पेला यमदूतो। जीवन में एक काम भी सारू तो नहीं करेलू, पण एक ज वात मानी संतनी के दीकरा नु नाम नारायण राख्यो। तो यमदूतो हटी गया ने भगवान ना पार्षदो आया, तो यमदूतो कहे छे के तमे साना माटे लई जाओ छो ने, એટલે પાર્ષદો કહે છે કે જોતા નથી કે ભગવાન કા નામ બોલ રહા હૈ કે બોલે ઇસકા બચ્ચા તો કલ પેદા હુઆ લેકિન ભગવાન કે નામ પે ભગવાન કા અનાદિકાલ કા અધિકાર હૈ યે મરતે સમય ભગવાન કા નામ બોલતા હૈ તો યે વૈકુંઠ કા અધિકારી હૈ તો દેવર્ષિ નારદ કી બાત માની તો અંતકાલ મે ભી ઉસકા મુક્તિ હો ગયા ઓર આપ જીતે જી માનો તો આપકા મુક્તિ હોને મે ક્યા શંકા હૈ ના વો ગાંધીજી થે तो महात्मा गांधी जी भगवान राम के नाम पे बड़ा विश्वास था। राम नाम की महिमा, राम नाम का महत्व के ऊपर गांधी जी का बहुत अच्छा लेख है कि तुम नहीं हो, हम नहीं है, ये हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं है ये नहीं हो सकता। भगवान का अस्तित्व पहले है, तुम्हारा अस्तित्व और हमारा अस्तित्व बाद में है। इतना भगवान का नाम शुद्ध पवित्र मंगलकारी। तो जीवन भर जिस भगवान के नाम पे उन्होंने विश्वास रखा, प्रीति पूर्वक भजन किया, स्मरण किया, अभ्यास किया, वही भगवान का नाम जो है उनकी जीभ पे मरते वक्त भी आया। गांधी जी को गोली लगी, एक मुँह से निकला राम, दूसरी लगी राम, तीसरी लगी राम, तीनों गोली लगी, तीनों बार राम निकला, मुक्ति हो। तो संत की बात पे विश्वास रखना। अजामिल ने संत की बात पे भरोसा श्रद्धा रख के बात पकड़ ली। ते गुरु के वचन प्रतीति न जे ही स्वप्ने हूँ सुगम न सुख सिद्धिते। जिसको गुरु के बात पे विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं और गुरु की बात को ऐसा वैसा कर देता है, उसको सपने में भी सिद्धि नहीं मिलती। तो श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से, विश्वास से गुरु की बात, महापुरुष की बात को पकड़ ले, उसमें संदेह न करे, शंका न करे। संशयात्मा विनिश्यति, जो शंका करता है उसका नाश होता है। तो शंका किए बिना, संदेह किए बिना गुरु के वचन को, गुरु की बात को पकड़ ले।